अरे अब अपनी माँ के ऊपर ऐसे मत कूदो शाली। जरा समझाओ इसे। छोटा भाई आने वाला है तुम्हारा, अब तुम भी अच्छी बच्ची बन जाओ। अच्छा, अच्छी बच्ची बन जाऊंगी तो भाई को बदमाशियां कैसे सिखाऊंगी दादी? अरे बस बस। नहीं, अगर लड़की निकली तो बच्चा गिरा दो। बच्चा गिरा दो मतलब? हा? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। नहीं पहले बताओ, नहीं तो मैं अभी दादी से जाके पूछ। नहीं रुको, घर में सबको लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं। कुछ दिनों बाद डॉक्टर बताएंगे कि मेरी कोख में लड़का है या लड़की। और अगर लड़की हुई तो बच्चा गिरा देंगे, उसे कोख में ही मार देंगे मुस्कान। पर ऐसा क्यों माँ? पता नहीं, लोग लड़कियों को लड़कों जितना काबिल क्यों नहीं समझते। क्या आपको लड़की ही चाहिए? लड़का हो या लड़की, हम कौन होते हैं चुनने वाले? जीवन उसका हक है। तो ये बात बाकी क्यों नहीं समझते? शायद समझना ही नहीं चाहते। मैं समझाऊंगी। तुम्हारी दादी नहीं मानेंगी। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। टन टना, आज से मिशन मुस्कान शुरू। अरे कौन है मुस्कान? अब सो भी जाओ। अम्मा पूछ दी सुन दी ये मेरी ये दुबली तनी तू किया करी होई हो। अम्मा पूछ दी सुन दी ये मेरी ये अरे ठीक से गाओ, आज स्कूल में ये गाना गाना है ना? हाँ, अब बताओ शैतान, माजरा क्या है? ध्यान कहाँ है आज? दादी, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? देखो कितना प्यार करती हूँ। फिर माँ को लड़की हुई तो उसे गिराने क्यों वाले हो? तुम नहीं समझोगी, ये बड़ों की बातें हैं। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो मुस्कान, कैसा रहा स्कूल का फंक्शन? मैंने सुना मुंबई से कुछ लोग आए थे। दिन भर ना ढंग से बात की और ना खाना खाया, जिद पकड़े बैठी है। अरे क्या बात है मुस्कान? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो पूछो। हाँ तो चाचू, आपको लड़कियाँ अच्छी लगती हैं? मैंने भिजवाया है भाभी। हाँ, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। हाँ? ये बच्चा गिराने वाली बात बच्चों के सामने करना ही गलत है।
बच्चा नहीं गिराया जाएगा, बस। हाँ हाँ, लड़का हुआ तो नहीं गिराएंगे। अरे ऐसा क्यों, लड़की हुई तो? लड़के बेहतर होते हैं लड़कियों से, इसलिए। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अगर मैं साबित कर दूं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती तो आप अपना इरादा बदल दोगे? तो लगी शर्त? हाँ लगी। अब तो खा लो मुस्कान। कब से भूख लगी है, कोई खाना ही नहीं देता। माँ मैं निकलती हूँ। अरे रंजना रुक तो, डब्बा तो लेती जा। ये लड़की भी ना, जल्दी से शादी हो जाए तो मैं छूट जाऊं। टन टन। देखो ये टुन्नू, ये लड़का है। छोड़ उसे, क्यों मासूम को सताती है, पाप लगेगा तुझे। टुन्नू डरपोक है, मैं नहीं। देखा, लड़कियां लड़कों से बेहतर है ना दादी, तो मैं शायद जीत गई। ऐसे थोड़े ही ना होता है। तो और कैसा होता है? चलो शर्त की ही बात है तो। हाँ तो मुस्कान, लड़के ट्रक जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं। बोलो देखा है तुमने किसी लड़की को चलाते? हमें देखना है कि कोई लड़की ट्रक चला रही है या नहीं। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे होगे, तो इसका जवाब है ये। मम्मी का है, इससे खींचेंगे हम फोटो, ट्रक चलाने वाली लड़की की। क्या हुआ, कोई लड़की मिली? है ही नहीं तो मिलेगी कहां से। ये है कल्पना चावला। कौन थी पता है? ये उड़ाती थी रॉकेट। तो बात ये है कि लड़कियां ट्रक तो छोड़ो, प्लेन और रॉकेट उड़ाती है डायरेक्ट। तो मैं शर्ट जीत गई। मैं शर्ट जीत गई। अभी तक सभी शर्तें पूरी नहीं हुई। अरे राजेश बेटा, इतनी देर हो गई है और रंजना अभी तक नहीं आई, उसका फोन भी नहीं लग रहा। तुम जरा पता कर सकते हो, रंजना के पापा भी ट्रक लेके गए हैं, कल ही लौटेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। मैं भी चलूंगी। जवान लड़की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एनसीसी पढ़ाई, दिन भर बाहर, यहाँ बाप गियर लगा लगा के दहेज के पैसे जोड़ रहा है, एक बार शादी हो जाए तो बला छूटे। सच कहती हो। तो मेरी अगली शर्त। अच्छा मुस्कान कहाँ है? जी वो राजेश के साथ गई है। चुपचाप घर पे बैठ नहीं सकती, अब बताएगी क्या हुआ है? अरे अरे आप उसे मार क्यों रही हैं? उसे तो उल्टा शाबाशी देनी चाहिए। कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे थे तो इसने उनको अच्छा सबक सिखाया और खींच कर ठाणे ले आई। बहादुर है लड़की, ऐसी लड़कियां हो तो बदमाश अपने आप सीधे हो जाए। मुझे कुछ नहीं पता, कल से तेरा कॉलेज वॉलेज सब बंद। गलती उन लड़कों की है तो सजा मुझे क्यों? मुझे और पढ़ना है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तेरी पढ़ाई देखे या दहेज?
माफ कीजिए, दहेज लेना और देना दोनों गलत है, और उसके लिए आप रंजना की पढ़ाई रोक रही हैं। अगर आगे पढ़े तो एक बड़ी अफसर बन सकती है रंजना। ऐसी लड़की से तो कोई नालायक लड़का ही दहेज मांग सकता है। बिल्कुल नहीं। मुस्कान, देखो दादी कुछ कह रही थी, ढूंढ रही थी तुम्हें। क्यों दादी, सोच ली अगली शर्त? वक्त आने पर बता दूंगी। बिना बात की शर्त लड़का लड़की एक समान। अरे अब चुप भी हो जाओ। अब तक चुप रही पर मुस्कान सही है। क्या सही है? मेरा बेटा वो बाहर जाता है, काम करता है और घर के लिए रोटी कमाता है। उसकी बराबरी मत करो। जानती भी हो कितने कागज पढ़ने पड़ते हैं सरकारी दफ्तर में। आप सही हैं कि वो रोटी कमाते हैं, पर ये भी जान लीजिए कि मैं रोटी बनाती हूँ। मुझे नहीं पता कि दफ्तर में इन्हें कितने कागज पढ़ने होते हैं, पर इनको भी ये नहीं पता कि खाने में कितना नमक डालने से स्वाद आता है। इस परिवार को हम दोनों मिलकर चलाते हैं, दोनों की तुलना करना ही गलत है। सभी अगर चुन चुन के लड़के पैदा करते गए तो इस समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या आप इतनी सी बात नहीं समझती? मनोज संभालो बहू को। पर माँ, सरिता और मुस्कान सही तो कह रही हैं। अब तुम भी बच्चों जैसी बातें मत करो। मुझे समाज की नहीं पड़ी, कहीं दूसरी भी लड़की हो गई तो तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? माँ, वंश तो औरत से भी बढ़ता है। पर नाम, नाम कौन आगे बढ़ाता है? मुझे ये बेटों की बहस नहीं करनी। जो हो रहा है सही हो रहा है। मुस्कान, मैं इनको रोक तो नहीं पाया, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं खुद ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम हारी नहीं हो, तुम जीत गई हो। पर चाचू, मैं दादी को रोक नहीं पाई ना। जाओ यहाँ से, ये सब तुम लड़कों की वजह से ही है। अरे आप मुस्कान के पिताजी हैं ना? मैं मुस्कान की प्रिंसिपल। जी हाँ मैम, हम तो पहले मिले हैं स्कूल में। ये मेरे पति मिस्टर राणा। जी नमस्ते। अच्छा हुआ आप मिल गए। आपको खुशखबरी देनी थी कि अपनी मुस्कान का नेशनल लेवल सिंगिंग कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ है। अरे भाई वाह, बधाई हो।
अरे मुस्कान ने कहा था कि उसकी दादी से ही गाना सीखा है उसने। आप ही उसकी दादी है ना? जी। बहुत बहुत बधाई। भाई वाह, मुस्कान तो स्कूल का और आपके परिवार का नाम पूरे देश भर में रोशन करेगी। मुस्कान बड़ी होशियार है। आखिर बेटी किसकी है? मनोज जी। अच्छा फिर हम चलते हैं, आप मुस्कान को जरूर बता देना। जी हाँ। जी जरूर। सॉरी टुन्नू, इट्स ऑल राइट बोलने की जरूरत नहीं है। देखो माँ, मैं आपकी बात नहीं टालूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि हमें यह बच्चा गिराना चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं जानना कि यह नन्ही सी जान लड़की है या लड़का। क्या फर्क पड़ता है माँ, दोनों अपने हैं। क्या दुनिया में कोई भी वजह इतनी बड़ी हो सकती है कि हम उसकी जान ले लें? ये लीजिए रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा स्वस्थ है। जी हाँ बिल्कुल, पर वो अब बस फिर आगे मुझे और कुछ नहीं जानना। पर आपको जानना नहीं कि लड़का है या लड़की? जी नहीं, हमें दोनों प्यारे हैं। वैसे भी हमें क्या पता आप सच बताओगे या झूठ। अरे मगर ओ डॉक्टर, ज्यादा लालची ना बन, अपना ये लिंग जांच का गलत धंधा बंद कर दे वरना पुलिस को बता दूंगी। मुस्कान, तुम शर्त जीत गई। तुम जीत गई मुस्कान। मैं समझ गई कि लड़का लड़की एक समान। चंद्रमा